गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज रजनीकांत चतुर्वेदी ये और अवकाश टीचर। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ पॉइंट वाले सवाल कि पॉइंट वाले कुछ हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी तक हमने सादा समझे थे, आज हम सीखेंगे पॉइंट वाले क्वेश्चंस। तो आप अपना अवकाश रेडी कर लें और मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन है 72.57 प्लस 84.26 55.10 26.15, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप अबेकस पर बनाएं 72.57, तो 1, 2, 3, 4 यूनिट पॉइंट से आप 4 डिजिट गिन लें और बना दें आप 72.57। यह हमने पॉइंट मान लिया है, इधर 72 के बाद में यहाँ पर हमने पॉइंट मान लिया, मन के अंदर मान लिया कि पॉइंट यहाँ पर है। उसके बाद हमको ऐड करना है 84.26, तो 7 में हमको 8 ऐड करना है, तो 8 का फ्रेंड -2, बेस्ट फ्रेंड ऊपर, और 2 में क्या ऐड करना, 4, तो 4 का स्मॉल फ्रेंड -1, तो 5 नीचे, 5 में ऐड करना है 2, ये हमने 5 में 2 ऐड कर दिया, और 7 में ऐड करना 6, तो कॉम्बिनेशन लगेगा पापा मम्मी और 6 में 1 फ्रेंड ऊपर। ओके बच्चों, अब आ जाओ यहाँ पर 55.10, तो 5 ऐड करना है, 5 का फ्रेंड -5, बेस्ट फ्रेंड ऊपर, ये हमको 5 ऐड करना है, 5 का फ्रेंड -5, बेस्ट फ्रेंड ऊपर। उसके बाद अब 1 और 0, 0 ऑटोमेटिक हो गया यूनिट पॉइंट पर, 0 ऑटोमेटिक हो गया। अब करना हमको 26.15, तो 2, 6, 1 और 5, तो हमारा आंसर आया 138.08 अगला क्वेश्चन है हमारा 15.45, तो पहले आप बनाएं 15, 1, 2, 3, 4 यूनिट पॉइंट से आप 4 डिजिट गिन लें और बनाएं 15, ये 1, ये 5, ये 15 हो गया। फिर यहाँ पर आप पॉइंट मान लें, यहाँ पर आप पॉइंट मान लें, उसके बाद बनाना आपको 4 और 5, इसमें ऐड करना है 30.27, तो हमने 3 ऐड कर दिया, 0 ऑटोमेटिक हो गया, 2 का फ्रेंड -3, 5 नीचे, और 7 ऐड करना है, कॉम्बिनेशन लगेगा पापा मम्मी और 7 में 2 फ्रेंड, 18.57, 1, 8 कॉम्बिनेशन लगाओ, 5 और 5 के बाद 7, ऊपर से 5 नीचे से 2, ओके 26.40, तो हमको ऐड करना है 2, 6 का फ्रेंड -4, बेस्ट फ्रेंड ऊपर 4 और लास्ट में 0, तो 0 तो ऑटोमेटिक हो जाता है। आंसर आया हमारा 90.69। आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं 75.26, तो आप बनाएं 75.26, ये 75 हो गया, ये हमने पॉइंट मान लिया, पॉइंट आपको मन में मानना होगा 75.26, उसमें ऐड करना है 26.10, तो 7 में हमको ऐड करना है 2, 5 में हमको ऐड करना 6, और 6 का फ्रेंड -4 नहीं हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन लगेगा पापा ऊपर, और पापा ऊपर करने का मतलब होता है 1 ऐड करना, तो 1 का फ्रेंड -9, बेस्ट फ्रेंड ऊपर, तो पापा ये चले गए अगली रोड पर, मम्मी ऊपर और 7 के अंदर 2 फ्रेंड।
सेवन के अंदर टू फ्रेंड। अगेन दोबारा समझ लो आप इसी क्वेश्चन को, 75.26 कब बनाए, 75.26 बना लिया। अब सेवन में ऐड करना है टू, ये सेवन में टू ऐड कर दिया, अब फाइव में ऐड करना है सिक्स, तो कॉम्बिनेशन लगेगा यहाँ से, पापा ऊपर, अब पापा के लिए जगह नहीं है तो पापा कहाँ जाएंगे, अगली लाइन में जाएंगे, नेक्स्ट वाली लाइन में जाएंगे, लेकिन वन का फ्रेंड माइनस नाइन, पहले माइनस नाइन होगा फिर पापा गए, मम्मी ऊपर और सिक्स में वन फ्रेंड ऊपर, सिक्स में वन फ्रेंड ऊपर, और टू में ऐड करना वन और सिक्स में जीरो, जीरो ऑटोमेटिक हो जाता है। 28.35 टू 8.35 थ्री और फाइव, -64.30। अब हमको -6 करना है यहाँ पर, तो पापा नीचे, मम्मी नीचे और सुषमा बनफ्रेंड नीचे, अब करना -4 डायरेक्ट हो गया, और -3 और -0 ऑटोमेटिक हो गया, आंसर आया हमारा 65.41 या आपने बच्चों थ्री क्वेश्चन समझे, अब आप क्वेश्चन नंबर फोर समझेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, तो 15.48 पहले आप 15 बनाए, 15 ये हो गया 15, ये आपने पॉइंट मान लिया, ये हो गया 4, ये हो गया 8, 15.48 प्लस 36, तो वन में हमको 3 ऐड करना है, वन तो बना हुआ है, ये वन में हमने 3 ऐड कर दिया, यहाँ हमको 6 करना है, तो 6 का फ्रेंड -4 नहीं हो रहा है, कॉम्बिनेशन लगेगा, पापा ऊपर करने का मतलब होगा वन ऐड करना, और 4 में आप वन जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, तो पापा चले गए 5वें नंबर पर, ये समझो कि 4 जो रूम्स हैं वो बुक हो रहे हैं, तो पापा चले गए 5वें नंबर के रूम में, मम्मी ऊपर और 6 में फाइव फ्रेंड ऊपर, अब 4 में हमको ऐड करना 1, तो 1 का स्मॉल फ्रेंड -4 और 5 नीचे और 0 ऑटोमेटिक हो जाता है, 48 ये 4 ये 8 प्लस 30.35 ये 3 ये 5 -75.15 -7 करो पहले फिर -5 करो फिर -1 करो फिर -5 करो, तो -5 का फ्रेंड प्लस 5 प्लस फ्रेंड नीचे, आंसर आया हमारा 24.78 तो पॉइंट वाले क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, जैसा हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं उसी तरीके से हमको पॉइंट वाला क्वेश्चन करना होता है, जहां पर हम पॉइंट होता है वहां पर हम पॉइंट मन के अंदर मानते हैं, जैसे 75.28 है तो हमने 75 बना दिया, उसके बाद हमने मन के अंदर पॉइंट मान लिया और आगे हमने 28 कर दिया, अब आगे वाली संख्या में हम उसको ऐड करते जाते हैं, और अगर माइनस की संख्या होती है तो माइनस कर देते हैं, जो हमारा आंसर आता है उसमें हम 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, क्योंकि वो पॉइंट हमने मन के अंदर मान रखा है, जैसे मान लेते हैं ना कि माना की संख्या x है, कि माना की मूलधन 100 रुपये है, तो मैथ के अंदर क्या है कुछ सवाल मान के होते हैं, हमको इमेज करने होते हैं, कल्पना करनी होती है, इसी प्रकार से जो हमारा पॉइंट वाला क्वेश्चन है ये भी हमारा इमेज करके होता है, तो आप लोग बराबर मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें और अपना संयम रखें, स्टडी बराबर रखें आप, ओके बच्चों।